नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य के मुख्य सचिव इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की करेंगे निगरानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को नीति आयोग की बैठक में उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने पेयजल संकट को देखते हुए 17 जिलों में 2200 नए हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली और समस्तीपुर में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव को इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की निगरानी का निर्देश दिया है। आज पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण इस बार पिछले साल की तुलना में रोग के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर बिहार के 12 जिले के 222 प्रखंडों में इंसेफ्लाइटिस के मामले सामने आए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से 36 बच्चों की मौत की बात कही जा रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पांडेय ने कहा कि अब तक 11 बच्चों की मौत हुई है जिसमें 10 बच्चों की मौत ग्लूकोज की कमी के कारण और एक की मौत एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम कल मुजफ्फरपुर का दौरा कर पूरे मामले की समीक्षा करेगी। इधर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने आज मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। श्री लाल ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी मुखिया और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से पीड़ित बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर कायम हैं। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीति आयोग की होने वाली बैठक में वे एक बार फिर इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बंद किए जाने की वकालत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसके स्थान पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई जानी चाहिए, यानी केंद्र सरकार देश में अगर कोई योजना चलाना चाहती है तो उसकी अपनी योजना हो। श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने इस बात को वित्त आयोग के समक्ष भी रखा है। राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 25 जून को एक बार फिर वे राज्य के आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक करेंगे। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि भाजपा के साथ उनकी पार्टी का कोई मतभेद नहीं है और बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 हटाने का विरोध करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू ने शुरू से ही 370 समान आचार संहिता और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के निर्णय से या आपसी सहमति से हो, साथ ही पार्टी समान आचार संहिता को थोपे जाने के पक्ष में भी नहीं है। राज्य सरकार ने पेयजल संकट को देखते हुए 17 जिलों में 2200 नए हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सबसे अधिक 200 हैंडपंप गया जिले में लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर चिन्हित स्थानों पर चापाकल लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वैसे कुओं की भी साफ सफाई करवाई जाएगी जो अभी उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भीषण गर्मी और लू से बचने की उपायों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है। श्री अमृत ने बताया कि नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्र में प्याऊ की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य विभाग को लू प्रभावित लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने को कहा गया है। जल संरक्षण और पेयजल के मुद्दे पर कल विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की केंद्र सरकार के साथ बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जल संकट के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इससे निपटने के लिए राज्यों का सहयोग मांगा जाएगा। यह बैठक देश भर में भूजल के घटते स्तर से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बुलाई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जिले में कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के मलाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नगदाह गांव में आंधी के दौरान एक पेड़ के घर पर गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला लगातार जारी है। विशेषकर दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। वातावरण में नमी की मात्रा 28 से 30% के बीच बनी हुई है, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि 16 जून तक कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हालांकि पूर्वी और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में मॉनसून के आगमन के लिए बेहतर दशाएं नहीं बनी हैं। 20 जून के बाद ही मॉनसून के अनुकूल स्थिति बनने की संभावना है। आज गया 45 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 43, पूर्णिया का 36 और भागलपुर का 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी। आज रोहतास जिले के रामपुर में किसान चौपाल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर छपरा रेलखंड पर नयागांव और सीतलपुर स्टेशन के बीच निर्माण कार्य को लेकर कल 6 घंटों तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि निर्माण कार्यों के चलते 10 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रांची से गया आ रही एक निजी बस हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में 5 गया के और 1 जहानाबाद के रहने वाले थे। घायलों का हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के घुसवर गांव से पुलिस ने 150 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बलथर थाना क्षेत्र के सरकी टोला से एसएसबी और पुलिस की टीम ने 6 लाख रुपए मूल्य से अधिक की नेपाली शराब बरामद की है। मौके से एक चारपहिया वाहन भी जब्त किया गया। दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के दुबौली बांध के पास पुलिस ने 3 तस्करों को 876 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले की एक अदालत ने हत्या के लगभग 2.5 साल पुराने एक मामले में एक महिला समेत 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के पास एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के कंजरी गांव से पुलिस ने 3 अपराधियों को 1 देशी कट्टा और 12 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य सचिव इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की करेंगे निगरानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को नीति आयोग की बैठक में उठाया जाएगा। राज्य सरकार ने पेयजल संकट को देखते हुए 17 जिलों में 2200 नए हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, वैशाली और समस्तीपुर में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।